हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बताने वाली हूँ किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अच्छा फाउंडेशन लगा सकते हैं ताकि आपका फाउंडेशन केकी ना लगे, बिल्कुल भी आपकी स्किन में अच्छा सा ब्लेंड हो जाए फाउंडेशन, बिल्कुल अलग से ना पता चले, आपका फाउंडेशन क्रीज ना करे। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को जब फाउंडेशन लगाने समय, कभी क्रीज हो जाता है, कभी एकदम आपका स्किन टोन अलग होता है, स्किन का फाउंडेशन का कलर अलग होता है, स्किन का कलर अलग होता है, तो बिल्कुल भी फाउंडेशन अच्छा नहीं लगता। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ कि आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप अच्छा फाउंडेशन लगाने का टेक्निक, जिससे आप अपना फाउंडेशन फ्लॉलेसली अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला स्टेप है कि आप रात में जब सोने से पहले अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करिए, कोई भी नाइट क्रीम से या फिर कोई भी ऑयल से। उससे क्या होता है कि नाइट में अपने स्किन रिपेयर होती है, रिजुविनेट होती है, उसको अपने स्किन पे काम करने का टाइम मिलता है। दिन में जो आपकी स्किन में डैमेज होता है उसको ठीक करता है वो। तो इसलिए रात में कोई अच्छा सा ऑयल या कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल कुछ भी अप्लाई करिए, या फिर कुछ अच्छा सा नाइट क्रीम अप्लाई करिए जो आपके स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आता है कि अपने स्किन को एक्सफोलिएट करिए, यानी स्क्रब करिए। कोई भी होममेड स्क्रब हो या रेडीमेड स्क्रब है, आपके स्किन के डेड सेल्स निकाल ले और आपके स्किन के जो भी डर्ट ये खट्टा होता है ओवर टाइम वो हटाए। इसलिए वीक में एटलीस्ट दो बार आपको स्क्रबिंग करना है, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाता है। तो ये मैंने दोनों कर लिया है, तो ये मैं अभी शो नहीं कर रही। तो थर्ड स्टेप में आता है कि अपने फेस के हेयर्स को रिमूव करना है। सबसे अच्छा बेस फाउंडेशन का तभी लगेगा जब आपके फेस एकदम स्मूथ रहेगी। तो उसमें जो ये पीच फर्ज होता है, जो हेयर्स होते हैं ना, उसके ऊपर ना फाउंडेशन चिपक जाता है। उसके ऊपर मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो मैं लिंक लगा दूंगी ऊपर आई बटन पे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसा रेजर है, जैसे ये टिंकल ब्रांड का रेजर है, तो मैं यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करके अपने हेयर्स को रिमूव कर लूंगी। हालांकि मैंने रिमूव कर लिया था कल, तो फिर भी मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ कि कैसे आपको ऐसे धीरे धीरे करके हेयर्स यहाँ के जैसे रिमूव करने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप अपना रेजर प्रीवियस नाइट यूज करिए, सो दैट कि आपके स्किन में जो डेड सेल्स हटाए तो उसके न्यू सेल्स आ जाए और आपके स्किन में डायरेक्ट फाउंडेशन वगैरह ना घुसे अंदर, तो इससे पिंपल्स और ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। समर ह्यूमिड टाइप का वेदर चल रहा है अभी, तो आपके स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, टी जोन में बहुत ज्यादा पसीना या ऑयल सेक्रेशन होता है, तो आप अपने स्किन को मल्टीपल वेज से आप अपने स्किन को टोनिंग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा टोनर है जो घर पे अवेलेबल होता है वो है आइस। तो मैंने ले लिया है कुछ आइस और ऐसे कोई भी कॉटन कपड़ा, उसमें ऐसे डालिए आइस को और अपने स्किन में रब करिए। इससे बहुत ही अच्छा स्मूथ बेस बनता है, आपके स्किन में बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो भी ये ओपन पोर्स हैं वो टाइटन अप होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका स्मूथ बेस बनता है और फाउंडेशन लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ऐसे सर्कुलर मोशन में आप अप्लाई कर सकते हैं और मोस्टली जो आपके टी जोन एरिया जहाँ पे ओपन पोर्स है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फोरहेड पे, नोज, ये सब आपके टी जोन एरिया होते हैं। ये जो यहाँ से ऐसे होता है टी जोन एरिया, तो यहाँ पे मोस्टली ऑयल आता है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। विंटर्स का वेदर है या फिर आइस अवेलेबल नहीं है, तो सबसे अच्छा होता है अपने स्किन को टोनिंग करने के लिए होता है कोई भी अच्छा टोनर। इससे क्या होता है कि जब आप एक्सफोलिएट करते हैं तो डेड सेल्स निकलते हैं, तो उसको ये जो ओपन पोर जो क्लीन हो जाते हैं तो उसको क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। ये बायोटिक का टोनर है अभी मेरे पास, इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरे पास कॉटन पैड अवेलेबल है, तो हल्का सा मैंने अपने हैंड पे लिया है और इसको करके अच्छे से अप्लाई कर लेते अपने फेस में। तो ऐसे प्रेस मोशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर कॉटन से आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना। तो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर आपके पास अवेलेबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो भी स्किन टाइप है उस हिसाब से जो मॉइस्चराइजर अवेलेबल है मार्केट में वो अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मैं अपना पॉन्स का मॉइस्चराइजर लिया है, इसको अच्छे से अपने स्किन में अप्लाई करना है और अब्जॉर्ब करने के लिए टाइम देना है। एकदम से आप मॉइस्चराइजर लगा के तुरंत बाद मेकअप स्टार्ट मत करिए, इसको अपने स्किन में सेट होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 मिनट्स भी दीजिए, तब तक आप अपने घर का कुछ भी काम कर सकते हैं। इतना स्टेप आता है आपके स्किन केयर में। तो इससे क्या होगा, आपके स्किन
एकदम स्मूथ रहेगी, फ्लेकी नहीं रहेगी, आपको स्किन में अच्छा खासा हाइड्रेशन प्रोवाइड होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है स्किन केयर करना। फाउंडेशन अच्छा दिखे उसके लिए आपका स्किन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ये जो मैंने स्टेप्स बताए वो आप जरूर करें। तो यहाँ तक हमारा स्किन केयर रूटीन खत्म होता है, अब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं रियल मेकअप। तो मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमर, क्योंकि प्राइमर क्या करता है कि हमारे जो स्किन केयर अभी तक हमने जो किया है और आगे हम जो मेकअप करने वाले हैं उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, जो हमारे यहाँ पे जो भी पोर्स होते हैं, जो छोटे बड़े बच्चे खुचे पोर्स है, ऐसे तो हमने स्किन केयर किया है और भी किसी के बड़े पोर्स होते हैं, तो उसको क्या ब्लर आउट करता है, उसके अंदर वो फिल इन हो जाता है, सो दैट कि एक स्मूथ बेस मिलेगा आपके फाउंडेशन के लिए। इसलिए प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टी जोन एरिया जहाँ पे हमारे पोर्स की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यूज़ किया ये इनसेट्स का प्राइमर, आपके पास जो भी प्राइमर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने हैंड में लिया है, उसको हल्का सा मैं अपने फिंगर्स में रब कर लूँगी और स्पेशली ऑन टी जोन एरिया अप्लाई कर लूँगी, और फिर अंदर से बाहर की तरफ मैंने इसे प्रोडक्ट को लिया है, क्योंकि मोस्टली हमें ज़रूरत होती है अपने टी जोन एरिया में, फिर थोड़ा बाहर की तरफ लिया है। और आप आईज पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आईज भी क्रीज हो जाते जब हम आई मेकअप करते हैं। तो देख सकते हैं काफी अच्छा स्किन का बेस बन चुका है, और अब नेक्स्ट फाउंडेशन की तरफ जाते। तो फाउंडेशन लगाने के लिए चाहिए होता है एक टूल, आप हैंड से लगा सकते हैं लेकिन उससे उतना अच्छा बेस नहीं आएगा, तो उससे अच्छा होता है ब्यूटी ब्लेंडर। आप ब्रश से भी अप्लाई करते हैं, स्टिपलिंग ब्रश होता है तो उससे ऐसे से अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें भी उतना अच्छा बेस नहीं बनता है। या फिर आप फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, जो डाउनवर्ड्स आपको अप्लाई करना होता है। मेरे जितने भी मेकअप ट्यूटोरियल देखा होगा मैं हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, तो कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे हम अच्छे से ब्लेंड नहीं होता फाउंडेशन और बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है फाउंडेशन। तो हमेशा उसे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एकदम से पानी में भिगो लीजिए उसको अच्छे से एकदम। मैंने काफ़ी टाइम से इसको अपने इसमें डाल के रखा है, और इसको स्क्वीज आउट कर देना है सारा पानी, पहले अच्छे से उसे अच्छे से भिगो लेना है, फिर सारा पानी स्क्वीज आउट कर देना। देख सकते हैं मैं इसे घुमा घुमा के अच्छे से पानी को स्क्वीज आउट कर रही हूँ। तो ये हमारा ब्लेंडर रेडी है अब फाउंडेशन लगाने के लिए। तो अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और एक ब्यूटी ब्लेंडर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है। अब आता फाउंडेशन, तो फाउंडेशन कौन से यूज़ करें, तो बहुत सारे टाइप की फाउंडेशन अवेलेबल है मार्केट में, लिक्विड फाउंडेशन, मूज फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन, लेकिन सबसे अच्छा होता है लिक्विड फाउंडेशन, बिकॉज आप उससे बिल्ड कर सकते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे तो अच्छा बेस बनेगा, स्मूथ फाउंडेशन लगेगा, केकी नहीं होगा, मतलब जैसे अजीब सा पता नहीं चलेगा, एकदम फ्लॉलेसली अप्लाई होगा। तो सबसे अच्छा होता है क्रीम फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आप खरीदने से पहले हमेशा हम अपने हैंड्स पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा है फाउंडेशन, तो वो गलत है, हमें हमेशा अपने जॉ लाइन में मतलब यहाँ अप्लाई करके देखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये मेरा फाउंडेशन है, मैंने यहाँ अप्लाई किया, देख रहे हैं, तो ऐसे अप्लाई करना है। अब मैं दूसरा एक और फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाती हूँ, देखते हैं कि ये मैच करता है कि नहीं। ये देखिए ये कितना लाइट है मेरे स्किन से, तो ऐसे पता चलेगा कि फाउंडेशन कौन सा मेरे स्किन में बिल्कुल सही है। और ये देखिए एक और फाउंडेशन लगाती हूँ, ये देखिए कौन सा मेरी स्किन में सबसे अच्छे से जा रहा है, ये वाला मेरी स्किन में धीरे धीरे ब्लेंड हो रहा है, तो ये वाला फाउंडेशन मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमेशा अप्लाई करके आपको देखना है फाउंडेशन कैसा है, इसके ऊपर मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी, तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपना फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन फाउंडेशन जैसे आजकल हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो ऑनलाइन फाउंडेशन आप कैसे बाय कर सकते हैं, तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैंने अपने लिए सबसे अच्छा फाउंडेशन है, अगर आप बिगनर है और आप अच्छा फाउंडेशन चाहते हैं तो ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन सबसे अच्छा है। मेरा शेड है 230 नेचुरल बफ, ये मेरे स्किन पे परफेक्टली सूट होता है। बीच में जो मैंने लगाया था वो यही वाला फाउंडेशन है,
तो मैं अभी फाउंडेशन लगाऊंगी। थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं अपने बैक ऑफ द हैंड में निकाल लेती हूँ। तो फाउंडेशन से पहले आप कंसीलर या करेक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने अपने वीडियो में दिखाया, बिकॉज आई नो कि मुझे कितना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं और उससे क्या होगा, केकी हो जाएगा। तो अब मैं इसको अपने फिंगर की मदद से अपने फेस पे लगा लूँगी। ये सब स्टेप्स आप सीख लीजिए, बिकॉज फेस्टिवल सीजन आने ही वाला है, मतलब ऑलमोस्ट शुरू ही हो चुका है। तो अब आया डैम ब्यूटी ब्लेंडर, जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरीके से किया है। तो इसको हमें करना है इस तरीके से, अंदर से बाहर, समझ रहे हैं? और इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना है फाउंडेशन को। कभी भी फाउंडेशन लगाने समय ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे ड्रैग नहीं करना है, हमेशा डैब 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 करना है, डैब डैब डैब, और अंदर से बाहर की तरफ। और यही फाउंडेशन को आप अपने आईज पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपको आई प्राइमर ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से टाइम लेके अपना बेस बनाना है, जल्दबाजी में ड्रैग नहीं करना है, उससे हमारा फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, केकी लगेगा, पता चलेगा फाउंडेशन और बहुत जल्दी क्रीज हो जाएगा। तो इस फाउंडेशन का एक और अच्छी चीज है कि आप इससे बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करना मतलब होता है, अगर आपकी स्किन में कुछ इनपरफेक्शन है तो आप दोबारा से एक और लेयर लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट है और बिल्ड कर सकते हैं एक लेयर फाउंडेशन के ऊपर एक और लेयर। तो आप देख सकते कितना फ्लॉलेसली ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गया और एकदम क्लीन बेस प्रोवाइड किया इसने। और नेक पे भी अप्लाई करना है, ताकि आपका फेस अलग, नेक अलग, बॉडी अलग कलर का ना दिखे, एक सिमेट्री रहे। और इसको ऐसे फाउंडेशन पे लेके हल्का सा कान पे भी डैबिंग मोशन में, आपको फाउंडेशन ही लगाना है जो आपके प्रोडक्ट यहाँ एब्जॉर्ब हुआ है स्पंज पे, उसको ही आपको वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट आता है करेक्शन। अगर आपके कोई पिगमेंटेशन है, आपके माउथ के अराउंड डार्क सर्कल है, तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हैं और ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हैं। रेडनेस है आपके फेस पे, उस पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कलर के करेक्टर्स आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, उसको ब्लर आउट करने के लिए वो करेक्टर आप यूज कर सकते हैं। हल्का सा डार्क सर्कल का है तो यहाँ पे, और माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है तो मैं यूज करूंगी ये एले गर्ल का करेक्टर। तो ऑरेंज करेक्टर है ये, तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो ब्लर आउट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है वहीं पे आप अप्लाई करेंगे। ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपको फिर से बहुत सारा प्रोडक्ट लगेगा, जितना ज़्यादा आपके फेस पे प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा वो केकी लगेगा, तो फ्लॉलेसली आपके फाउंडेशन नहीं दिखेगा। मेरे को हल्का सा यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैं जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहीं अप्लाई करूँगी। और हल्का सा माउथ के अराउंड देख रहे हैं, एकदम मैंने इसे स्क्वीज ही नहीं किया है, जो जो प्रोडक्ट मेरे इस ब्रश पे है उतना ही मैंने अपने फेस पे लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाना है। जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा आपका फाउंडेशन दिखेगा। तो अभी सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है और उससे ऐसे मैंने उसको भी मैंने डैबिंग मशीन पर अप्लाई कर रही है। अब मैं ये आईज के कोने में, तो इसलिए इसका पॉइंटेड लेके आईज के अब अप्लाई कर रही हूँ। स्टेप आता है कंसीलर अप्लाई करना। अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपने स्किन में जस्ट एक ब्राइटनेस चाहते हैं अंडर आईज एरिया में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइट कलर का, आपकी स्किन से एक दो शेड लाइट कलर का आपको कंसीलर लेना है, और आप ये कलर करेक्शन वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर लिया है, ये है मेरा 04 शेड में, तो मैं इसे हल्का सा अपने टी जोन एरिया में अप्लाई करूँगी। तो जो हल्का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा आया था वो मैंने निकाल लिया और अपने इनर कॉर्नर, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, और इस तरीके से, और थोड़ा फोरहेड पे
और ये नोज के ऊपर, ये बस मैं ब्राइटनेस ऐड करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं, और मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डबिंग मोशन पे अप्लाई करूंगी। तो टी जोन एरिया इज डन, अब आएंगे आईज। आईज भी हमें ऐसे नीचे से लेके ऊपर की तरफ ही करना है, तो मैंने फिर से पॉइंटेड एरिया ले लिया है। देख सकते हैं तो कि मेरे अंडर आई एरिया में कैसे ब्राइटनेस आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेस हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप अपने कंसीलर को सेट करेंगे। कंसीलर को सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने ये यहाँ पे एक दो तीन लेयर लगा लिया है, तो उसको सेट करना है सो दैट जो एक्सेस जो ऑयल है वो उस एब्जॉर्ब करे और एकदम फ्लॉलेस लगे। तो ये मैंने यूज़ करूँगी उसके लिए ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो ये इस तरीके से आता है, इसमें आता है पफ, तो आप यूज़ कर सकते हैं पफ और या फिर आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट कैप में निकाल लेती हूँ, हल्का सा प्रोडक्ट इस कैप में निकाल लिया। मैं दोनों तरीके से अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस पफ को मैंने ऐसे मोड़ लिया है और थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके यहाँ पे ऐसे से अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस भी ऐड होगा और क्रीज भी नहीं करेगा आपका कंसीलर। ब्यूटी ब्लेंडर का मैं ये टिप लेके सेम पाउडर में अप्लाई करके उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे साइड से मैं इसको जो एक्सेस है उसे एब्जॉर्ब कर लूंगी, और जो बचा हुआ जो प्रोडक्ट है उससे मैं अपने टी जोन एरिया पे लगा लेती हूँ। जितना कम से कम प्रोडक्ट लगाएंगे आपके अपने फेस पे उतना ही अच्छा फ्लॉलेस फाउंडेशन लगेगा। तो ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि मैंने फेस पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाए हैं, एकदम क्लीन लग रहा है। आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। अच्छे फाउंडेशन का लास्ट स्टेप होता है उसे सेट करना। अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे से आपको अपना फाउंडेशन सेट करना है, बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं प्रोडक्ट में, तो सब एक साथ मर्ज हो जाए, एक स्मूथ बेस लगे। मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, तो उसको ऐसे पास से नहीं अप्लाई करना है, दूर से अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगी, फिर से ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ऐसे जो ड्रॉपलेट्स है उसको इसमें एब्जॉर्ब करवा देना है, तो सारा मेकअप एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेस हो चुका है। अब हमारा फाउंडेशन का जो स्टेप्स है वो कंप्लीट होता है, फिर आप अपना आगे का मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब अपना फुल फेस मेकअप करके आ चुकी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।